अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए फिर एक नई और अच्छी वीडियो लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी। और आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में हमेशा इजी टिप्स, ब्यूटी टिप्स बताती हूँ, होम रेमेडीज़ बताती हूँ, मेकअप करने के, आईज़ मेकअप करने के, कंटोरिंग करने के छोटे छोटे ब्यूटी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो बताती हूँ, जो आप लोगों को पिक कर लोगे आप लोग तो आप लोगों को सलून वगैरह जाने की जरूरत है, आप घर में खुद अपना काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी स्किन की केयर भी कर सकते हैं। यानी कि एवरीथिंग मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताती हूँ। अगर लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई वीडियो चाहिए आपको किसी भी तरह की, फेस के रिलेटेड या किसी भी तरह की, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम दिया होता है, आपने वहाँ जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना है और इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की हमारी वीडियो है, हमने सिंपल सा आज हमारा हेयर स्टाइल है और इस छोटे से हेयर स्टाइल में आपको, आप इजीली अपने बालों को पिक कर सकते हैं। जैसे कि आगे आने वाली हैं सर्दियाँ, बल्कि आ चुकी हैं, इतनी तो सर्दियाँ आ चुकी हैं कि हम इंजॉय कर सकते हैं सर्दियों को। तो सर्दियों में जैसे कि हमने जीन्स टॉप पहना है या हमने शॉर्ट टॉप पहन लिया है, जीन्स पहन लिया या कुछ भी पहना हमने, तो उसके साथ हम बालों को कैसे ना बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम जीन्स टॉप पहनते हैं तो उसमें हम बाल खोल खोल के थक जाते हैं, ठीक है, या फिर ये या फिर इस तरह का बैंड होता है तो हम इसको सिंपली बस बालों पर लगा लेते हैं और बाल खोल लेते हैं, ठीक है। तो आप बाल खोल भी सकते हैं, वो भी तरीका अच्छा है, लेकिन इसके साथ हम कैसे बालों को और भी कैरी कर सकते हैं आज मैं आपको अपनी वीडियो में वो बताने लगी, ठीक है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, आपके प्यार की, आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत है। आप इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह नई अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। जी फ्रेंड, जैसे कि मैंने ज़ैनब के बालों को सेंटर से पार्टीशन कर लिया। अगर आपको सेंटर के पार्टीशन नहीं पसंद तो आप इसको सबको पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ैनब के फेस पे सेंटर में पार्टीशन अच्छी लगती है। सेंटर के बालों में ज़ैनब की हल्की सी कटिंग भी हुई है, ठीक है ना। तो अब मैंने ज़ैनब के बालों में ये बैंड पहनाना है, ठीक है, ये जैसे कि मैंने पहनाया, ठीक है। अब देखें, मैंने हल्की सी ये पहनाने के बाद ना इसको मैंने फ्रंट पर रखा है, ठीक है। फ्रंट पर रखने के बाद इसको मैंने, आप ऐसे करो जरा, हाँ ऐसे रहो, मैंने इसको हल्का सा बैक कॉम जैसे करते हैं ना हम, इसको ऐसे आपने वॉल्यूम दे देनी है, ठीक है, फिंगर के साथ। इस तरह आपने वॉल्यूम देने के बाद आपने पहले इस साइड के बाल लेने हैं, बैंड को आपने फ्रंट से पकड़ लेना है, ठीक है। पहले अपने इस साइड के बाल लेने हैं, थोड़ा सा आप ऐसे हो, ये हाथ यहाँ रखो, ठीक है। आपने ये बाल लिए, इनको आपने हल्का सा फोल्ड करना है और इसके अंदर डालना है, ठीक है, यानी कि बैंड के अंदर फोल्ड कर देना आपने एक साइड, जैसे कि आप बबल्स बनाते हैं वैसे आपने इसको अंदर फोल्ड करना है। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी साइड से हम फोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह फोल्ड कर दिया आपने, ठीक है। तो आपने इसको हल्का हल्का यूँ ऊपर की तरफ भी खींचना है, ठीक है, ताकि इसकी जो लाइनिंग है थोड़ी सी रफ लुक में आ जाएगी, ये इस तरह, ये देखें। इस तरह, ठीक है, ठीक है, ये हमने कर ली। अब हमारे जो ये बैक वाले बाल हैं, मैंने इनको ऐसे ही इसी तरह जैसे मैंने फ्रंट से आपको लोगों के सामने किया, इसी तरह मैंने इसको पहले हल्का सा, अगर आपकी लेंथ लंबी नहीं है तो आप रहने दें, लेकिन अगर आपकी बालों की लेंथ लंबी है तो आपने इसको हल्का सा फोल्ड करना है और फिर इसको फोल्ड करके बालों को इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह, और फिर आपने इसको भी इसी तरह वॉल्यूम के लिए बाहर निकाल देना, ठीक है। तो अब मैं आपको उस साइड से करके दिखाती हूँ, ये बहुत सिंपल सा इजी सा है, अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। ज़ैनब तो ये स्टाइल बहुत बनाती है, ज़ैनब को बहुत पसंद है, अगर ज़ैनब के पास बैंड नहीं होता तो ज़ैनब अपने रुमाल के साथ भी बना लेते हैं। जी फ्रेंड, जैसे कि अब मैंने ये साइड रह गया, मैंने ये साइड भी पहले बालों को, अगर आपके बालों की लेंथ लंबी है तो आपने इसको हल्का सा ऐसे फोल्ड कर लेना है, ऐसे जब रोल किया, रोल आपने कैसे करना है, आप ईजीली है बहुत, ये आपके बाल हैं, इसको आपने ऐसे किया और फिर आपने इसको ऐसे रोल करके बालों को आपने इसके अंदर डाल देना, ठीक है। इसी तरह ये जो आपके बाल बच गए हैं फ्रंट से, ज़ैनब ने थोड़े थोड़े बाल छोड़े हैं क्योंकि ज़ैनब को बाल आगे से बहुत ज़्यादा बालों को टाइट नहीं रखती, ठीक है। तो अब ये भी इसको बालों को भी अंदर कर देना हमने।
क्या है। तो अब इसको हल्का हल्का बालों को ऊपर कर दें। आप आगे फ्रंट पे देखो दाना, ये बाप का रुमाल कहीं नहीं लेगा, ये फुल टाइट हो गया। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो पीछे, इसको भी पीछे कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्रंट पे ही रखना चाहते हैं तो इसको फ्रंट पे रख लें। ठीक है, तो इसको बैक से भी आप इसको फोल्ड कर लें। जी फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी फाइनल लुक है। जैलम ने इतने लंबे जैनब के बालों की लेंथ है, सॉरी इतने लंबे जैनब की बालों की लेंथ है, लेकिन आप देखें कैसे एक एक से बैंड के अंदर सारे बाल कवर हुए हैं। तो आप इजीली, ये कहीं नहीं आपके बाल जाएंगे, ये बिल्कुल टाइट हो गया। ऊपर से आपके देखें ये वॉल्यूम भी आ गई है, बैक के कवर भी हो गया, फ्रंट पे बाल भी आ गए हैं। तो आप ये चाहें तो आप 5 मिनट में बाल बना सकते हैं। अगर आप इसके साथ ओपन बाल रख सकते हैं, ओपन भी रखें। लेकिन ये एक स्टाइल है, एक टिप है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है आपके प्यार की आपके साथ की हमें बहुत जरूरत है। मिलते हैं कल एक और नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।